जिला रुद्रप्रयाग के विकासखंड अगस्त्य मुनि के सांग तिनसोली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जूनियर इंजीनियर और ठेकेदारों के द्वारा सड़क कार्य में किया गया मनमानी प्रस्तावित डंपिंग जोन कागज में दिखाए गए हैं और जमीनी स्तर पर कहीं भी डंपिंग हो नहीं है, जिसके कारण नाग जगाए की वन भूमि को बड़ा नुकसान पेड़ों का और भूमि का हुआ। नुकसान ग्रामीणों की सड़क का कार्य भी समय पर पूरा नहीं किया जा रहा है, साथ ही उनकी लेबर के द्वारा मालवा वन क्षेत्र में गिराया गया जबकि इनके पास डंपिंग जोन थे। ठेकेदार खंडारी जी और दिवेश नोटियाल जी इस पर फोन पर जानकारी दी गई मगर इनका जवाब ठीक नहीं था। बीएसपी न्यूज के साथ मैं ओम प्रकाश केदार खंडी फिर से हाजिर हूँ। आज कंपार्ट नंबर 2 वन पंचायत नागजगे की वन भूमि में यहाँ पर एक मुख्य विषय सामने आया है। विषय यह है कि देवली भणिग्राम से तिनसोली के लिए जो मार्ग मोटर मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक सड़क प्रस्तावित पास हुई है जो सभी ग्रामीण भी और समस्त जगह देखी जाती है। इस पर पहले तो कार्य का बहुत तगड़ा मैटर बनेगा क्योंकि कई सालों से ये कार्य पूरा ही नहीं हो रहा है। मैंने प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना होती है उनके कार्यालय में जाकर इस चीज़ का पता लगाया था कि कितने समय में एक सड़क गांव के लिए प्रस्तावित मतलब पास हो जाती है, मतलब कितने दिन बनने में लगते हैं। मैटर मेरा कहने का ये है, उनका कथन यह होता कि 9 महीने बहुत होते हैं एक सड़क को बनाने के लिए, मगर आप खुद ही समझ रहे हैं 9 महीने जिस सड़क को बनने में पूरी सड़क बन जाती है उसमें आज सालों साल लगे हैं। साथ ही इस सड़क को बनाने के समय डंपिंग जोन का प्रावधान रखा गया था। यहाँ पे डंपिंग जोन में यह मामला था कि 3 डंपिंग जोन इसमें प्रस्तावित पास किए गए थे। डंपिंग जोन का कहीं अता पता नहीं है क्योंकि किसी भी भूमि में खाली कागजों में डंपिंग जोन दर्शाए गए हैं और कहीं भी कोई डंपिंग जोन नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वन पंचायत नागजगे का कंपार्ट नंबर 2 की जो वन भूमि है इस क्षेत्र में यहाँ के जो ठेकेदार हैं, कोई कंडारी जी नाम इनको बता रहे हैं, कंडारी जी के टीम के द्वारा यहाँ पे इस प्रकार से जो कार्य हो रहे हैं पूरी भूमि का यहाँ पे छत्यानाश कर दिया इन्होंने वन क्षेत्रों का। क्योंकि सबसे मुख्य विषय यह है कि यहाँ के जो बच्चा पेड़ था कुछ जन्मा भी होगा उसको भी इन्होंने पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है। जबकि भी इनके पास डंपिंग जोन का प्रावधान रखा हुआ था मगर कहीं भी इनके डंपिंग जोन नहीं हैं, कहीं दिखाई नहीं दिए हैं, कहीं डंप बड़ा ही नहीं है। तो कुल मिला के विषय इस प्रकार के, इन्होंने यहाँ के जो मूल पेड़ हैं उन पेड़ों को इस प्रकार से दबाया है और टूटे हुए पेड़ आपके सामने दिख रहे हैं। इस प्रकार से इन्होंने पूरे क्षेत्र का यहाँ पे पूरा एक स्लाइडिंग सिस्टम बना दिया है। ये आपके सामने जो दिख रहा है ये स्लाइडिंग बना के इन्होंने छोड़ दिया है क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों को इन्होंने यहाँ से गिराया। उसके बाद नीचे आपकी नज़र, जहाँ तक मेरी कैमरे की नज़र जा रही है, मैं दिखा रहा पा रहा हूँ आपको, वहाँ तक का इन्होंने पूरे पेड़ नीचे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं इन पेड़ों को छत्यानाश कर दिया है। साथ में इस प्रकार से यहाँ से मलबा गिराने के बाद आप देख सकते हैं कि जो सामने जो मंजर आप देख रहे हैं उसमें इतने बड़े बड़े पत्थर गिराए कि पूरा भूमि ही कटाव हो गया है। साथ में इस प्रकार से आगे मैं और दिखाने जा रहा हूँ इनकी सड़क के जो कार्य हैं किस प्रकार से किए जा रहे हैं। आप दीवारों में जो छेद देख रहे हैं वो पानी की निकासी के लिए बनाया गया है। साथ में आपदा के टाइम अभी जो बीच में जो यहाँ की जो मतलब बारिश बतौने के चक्कर में जो बारिश आई थी, इस प्रकार से इनकी दीवारें फटी हुई हैं। क्या लगता है आपको ये पोस्ता टिक पाएगा या नहीं? आप भलीभांति जान सकते हैं कौन जेई हैं इनके, कौन इंजीनियर हैं जो इस प्रकार से सड़कों को पास करने का इन्होंने ठेका लिया हुआ है। जिस सड़क का नीचे का बेस यानी कि पांव ही उसका सुरक्षित नहीं, वो कैसे सलामत और खड़ा रह सकता है? अभी इन्होंने खानापूर्ति वाला काम जरूर किया है यहाँ पे, वो आपको दिखा रहा हूँ मैं कैमरे के माध्यम से, क्योंकि इस प्रकार से इन्होंने इसमें डबल दीवार का प्रावधान किया ऊपर का और छत्यानाश कर दिया होगा फिर इससे। अभी भली भांति आप देखिए इस प्रकार से इन्होंने कंपाउंड नंबर 2 का क्षेत्र जो वन पंचायत नागजगई भूमि का है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त करने के पीछे इनका बहुत बड़ा उद्देश्य है। इस प्रकार से इन्होंने पेड़ों को यहाँ तोड़े जा रहे हैं जो यहाँ का मूल प्रजाति की पेड़ है। पहले भी ये नीचे तक ये DFO डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस में आप देख सकते हैं वहाँ पर ये पूरा का पूरा क्षेत्र जहाँ तक नीचे तक ये नज़र जा रही है कैमरे की, वहाँ तक का पूरा मलबा इन्होंने इस क्षेत्र का मलबा वहीं गिराया था। डंपिंग जोन अन्य जगहों का भी इन्होंने यहीं फेंका, ये जबकि भी डंपिंग जोन के रूप में प्रस्तावित पास नहीं था।
पर कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत सिस्टम है और ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद विषय है कि इस प्रकार से वन पंचायत नागजगह की भूमि का डबल कटिंग के माध्यम से कहें, चाहे वो पितृकार्यों के माध्यम से कहें, सारी भूमि का इन लोगों ने बुरी तरह से छत्यानाश करा हुआ है। और मैं अभी अपने कैमरामैन को कहूँगा कि इस प्रकार से एक बार इस तरफ दिखाने की कृपा करें। आइए, यहाँ भी इसी प्रकार का कार्य हुआ है। ये कंपाउंड नंबर 2 का क्षेत्र है हमारा, इसको इन्होंने, यहाँ के जितने भी पेड़ हमने लगाए थे वो पूरे पेड़ यहाँ क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। यहाँ भी इस प्रकार का मंजर आपको देखने को मिल सकता है। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे कोई भी कार्य जो है कि रूल अनुसार नहीं हो पा रहा है, और यहाँ के जो बच्चा पेड़ प्रजाति या बड़े पेड़ जो नीचे हमारे वन कंपाउंड नंबर 2 के थे, उनको इन लोगों ने पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया है। और अभी भी इनको पेनल्टी के लिए बोलेंगे या किसी भी चीज़ के लिए बोलेंगे। प्रशासन से भी मेरी वन विभाग से बात हुई, नीचे तक आप देख सकते हैं, जहाँ तक मेरी कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक ऑलरेडी पेड़ों का इस प्रकार से नुकसान हुआ है। अब इनका नुकसान का जो इतनी मेहनत से ग्रामीण लोगों ने लगाया है, इसकी भरपाई कौन करेगा? मेरा PMY जेवस के अधिकारियों से, उनके इंजीनियर से और प्रशासन से मेरा निवेदन है, इस प्रकार के ठेकेदारों को काम ना दिए जाएं, जिन्हें अपने कार्यों के प्रति पूरी जवाबदारी या उनको अपने वन क्षेत्रों का कोई भी, उनको इतना मतलब जो हवा का वातावरण है, जो देवभूमि की सुंदरता है और जो यहाँ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम लोगों का मिशन है, इस प्रकार से ये लोग इसको छत्यानाश कर देते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल काम ना दिया जाए जो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है अपने काम के प्रति। मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।